बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैसेल्फ अमार शाहिद। इस वीडियोस में हम डायमेंशंस को पढ़ेंगे और उसके यूजेस देखेंगे। राइट, डायमेंशंस क्या होती हैं? हर फिज़िकल क्वांटिटी की जो हर बे सॉरी हर फिजिक्स की जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, हर बेस क्वांटिटीज़ के साथ एक डायमेंशन होती है। मिसाल के तौर पर एक मास है, इसकी जो डायमेंशन है उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से लेंथ है, उसकी डायमेंशन को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इन द सेम वे टाइम है, टाइम की डायमेंशन को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे चलता है। राइट, हमें ये देखना है कि इस डायमेंशंस को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये डायमेंशंस हमें किसी भी क्वांटिटी का बताती है उसके उसके अंदर कितनी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम जस्ट वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो उसमें वेलोसिटी के अंदर मास पर सॉरी मीटर पर सेकंड उसका यूनिट होता है। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी के अंदर दो बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, यानी एक लेंथ है और एक टाइम है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि डायमेंशंस बेसिकली हमें फिजिक्स के अंदर जो डिराइव्ड क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताती हैं, ठीक है, कि उसमें कितनी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। राइट, अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके कितने इस्तेमाल यूजेस हैं। डायमेंशंस को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक पहला यूज़ तो ये है कि चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। राइट, इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है, फर्ज कर लें कि एफ इक्वल टू एम ए है। हम ये देखेंगे क्या ये इक्वेशन होमोजेनियस भी है या दूसरे अल्फाज में ठीक भी है या नहीं। तो हम सिंपली फोर्स की डायमेंशन निकाल लेंगे, ठीक है, और इसी तरह से एम और ए की के डायमेंशन का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अगर दोनों सेम हुए तो हम ये कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है होमोजेनियस है। और इसी तरह के दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि हम इसके थ्रू एक पॉसिबल फार्मूला जो कोई भी बन सकता है वो डिराइव कर सकते हैं, डिराइविंग पॉसिबल फार्मूला। ठीक है, बेसिकली आज की वीडियो के अंदर जो है ना, बेसिकली हमारा कंसर्न सारा का सारा इसी पर होगा कि हम डायमेंशंस को इस्तेमाल करते हुए कोई भी पॉसिबल फार्मूला किस तरह से डिड्यूस कर सकते हैं। राइट, ओके, वैसे ये 1.6 क्वेश्चन है पंजाब टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 का एफएससी फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू अ मीडियम मे बी अज्यूम्ड टू बी डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। अब ये कि डायमेंशंस के मेथड को यूज़ करते हुए हमने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला डिराइव करना है। तो इसके लिए सबसे पहला अब हम स्टेप वाइज करते जाएंगे और फिर हम अल्टीमेटली साथ साथ लर्निंग भी करते जाएंगे कि ये सारा काम कैसे हो। तो हम कहते हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वैसे स्टेप वन। स्टेप वन में हम ये देखेंगे कि ये जो क्वान्टिटीज़ हैं, स्पीड है, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। तो राइट, सबसे पहले हम देखा कि स्पीड डिपेंड कर रही है डेंसिटी पर। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह स्पीड डिपेंड करती है इलास्टिक मॉडुलस को, इसे हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करने के हम प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। प्रोपोर्शनल बेसिकली ये एक सेंस देता है कि वेलोसिटी और इसका डेंसिटी का कोई रिलेशन है। आइदर ऐसे है कि वेलोसिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, या डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, या फिर इन्वर्स रिलेशन भी हो सकता है। सो वट इसको भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये कि ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी का कोई किसी क्वान्टिटी का दूसरे के साथ रिलेशन भी है। अब जाहिर बात है कि वेलोसिटी इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो हमने इस तरह से लिख लिया। अब हमें नहीं पता कि वो इन्वर्सली जो है ना इस पर प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये विद टाइम बींग हमें पता चलेगा हम जब इसके जो वैल्यूज़ निकाल लेंगे, मतलब कि इसके जो कांस्टेंट मतलब कि जो पावर्स हैं वो निकाल लेंगे। साथ में हमें ये करना है कि हमने ये जो क्वांटिटी जिस पर ये वेलोसिटी डिपेंड करती है इसकी पावर लिख लेनी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे हम
हम यहाँ पे रो की पावर ए लगा देते हैं, राइट, और बी की ई की पावर बी लगा देते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम ए लगाएं या बी लगाएं, हम कुछ भी लगा सकते हैं, पी के ओ आर भी लगा सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी लगा सकते हैं, राइट। अभी हम ए बी लगा रहे हैं, हम लोग ये जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का ये एक रूल भी कह सकते हैं कि हम वेलोसिटी को एक ही लिख सकते हैं और इन दोनों को जिन जिन पर ये डिपेंड करें इनको हम इकट्ठा लिख रहे हैं, यानी रो ए इंटू ई बी, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, राइट। ये कांस्टेंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, और साथ में रो ए इंटू ये ई बी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को इक्वेशन वन कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, अब अगर हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएँ तो फाइनली हम अपना फार्मूला जो है पॉसिबल फार्मूला वो डिड्यूस कर लेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो ए फाइंड आउट करना है और साथ में बी फाइंड आउट करना है। तो ए और बी को फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, आए ज़रा देखते हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर हम देखेंगे कितनी क्वांटिटीज़ हैं। पहले नंबर पे तो वेलोसिटी है, फिर हमारे पास डेंसिटी है, और फिर हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस यानी ई है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं, राइट। हम इन्हीं तीन क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले वी, ठीक है, या मैं हेडिंग बड़ी सी डाल दूँ, डायमेंशंस, सबसे पहले मैं हेडिंग दे रहा हूँ वी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का ऐसे यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस हिसाब से इसकी जो डायमेंशंस होंगी, मीटर लेंथ का यूनिट होता है तो इसकी डायमेंशन क्या, मीटर की एल। सेकंड टाइम का यूनिट होता है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, टी, और एल टी माइनस वन। और हम जानते हैं कि डायमेंशंस को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या, रो, यानी कि वो डेंसिटी। अब आते हैं डेंसिटी होती है क्या, डेंसिटी सब लोग जानते हैं कि वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। इसी हिसाब से अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूँ तो मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, ओके, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब, ठीक है, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इस डेटा से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेंगे। किलोग्राम किसका यूनिट होता है, मास का, हमें मास लगा दिया, और मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, यहाँ पे एल, और साथ में क्या आ जाएगा, -3, ML -3 आ जाएगा। ये हमारे पास वेलोसिटी की भी डायमेंशन आ गई, डेंसिटी की भी आ गई, और फाइनली अब रह गया इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस जैसे कि वैसे गिवन भी है कि इलास्टिक मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होती है, ओके। अब हम जानते हैं स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, या फिर चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होगा, फिर अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ न्यूटन, और एरिया का क्या यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, राइट, ओके। और इसी तरह से लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, और तो नीचे जो इसके डिनोमिनेटर में लेंथ आ रही है उसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर। तो मीटर डिवाइडेड बाई मीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपल नीचे 1 ही रह जाएगा, तो ये न्यूटन डिवाइडेड बाई ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ओके। और इसी तरह से ये मीटर स्क्वायर नीचे है, अब ये वाला मीटर इसके स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि ये 2 मीटर है ना, एक कट जाएगा, बस सिर्फ एक रह जाएगा। तो क्या इलास्टिक मॉडुलस का जो हमारे पास यूनिट फाइनल आ गया वो क्या है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, ठीक है। इस पॉसिबल इस एसआई यूनिट, जो एसआई बेस यूनिट्स की मदद से हम इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्या मास, किलोग्राम से मास बन गया, मीटर से मीटर, चूंकि लेंथ की डायमेंशन होती है एम एल -1, और आगे आ जाएगा टी -2, ठीक है, ओके। अब हम ये कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास तीन डायमेंशंस आ गए इनको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ठीक है। चलें,
ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया और इनको ये हाईलाइट कर दिया, ताकि विद टाइमिंग हम बाद में इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, अब हम जाते हैं कि इक्वेशन वन जो हमने बनाई हुई है यहाँ पे, इक्वेशन वन के अंदर हम यूज़ करेंगे उसे। ठीक है, इक्वेशन वन के अंदर जा कर के हमने वेलोसिटी की भी, इसी तरह से डेंसिटी की भी और इलास्टिक मॉडुलस की भी जो वैल्यूज़ हैं, डायमेंशन की, वो फाइंड आउट वो पुट कर देनी है। ठीक है, चले मैं मज़ीद स्लाइड्स जो हैं वो खोल लेता हूँ। ओके, ये लास्ट थी। और अब फार्मूला हमारे पास क्या था, पेन, ओके, और ब्लैक कलर कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था, वी इक्वल टू कांस्टेंट और साथ में क्या था, रो की पावर ए और ई की पावर बी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या डायमेंशन है, पुटिंग द डायमेंशन। तो वेलोसिटी का अभी क्या डायमेंशन है, एल टी माइनस वन, राइट। ये पुट कर देंगे हम यहाँ पे, एल टी माइनस वन, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है इसे। ओके ओके, अब कांस्टेंट, कोई भी चीज़ जो कांस्टेंट होती है उसकी तो कोई डायमेंशन नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसी तरह से रो की डायमेंशन के एम एल माइनस थ्री मैं यहाँ लिख देता हूँ, एम एल माइनस थ्री और के, और इस तरह रो की पावर क्या है, ए, और इसी तरह से ई की डायमेंशन के एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यहाँ लिख देता हूँ एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ओके ओके, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट मैं क्या करने लगा हूँ कि ये इसकी जो पावर्स हैं इनको ओपन कर लेते हैं, कर लेते हैं, ये एम ए आ जाएगा, एल थ्री माइनस थ्री ए, फिर आ जाएगा एम बी, ओके, एल माइनस बी, और ये टी माइनस टू भी आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास आ गया। अब देखते हैं कि ये जो कॉमन बेसिस कौन सी हैं, एम, हम जानते हैं कि बेसिस कॉमन हो तो पावर्स एडअप हो जाती हैं। अब एम की जो बेस है ये दो, और पावर क्या है, ए और बी, तो मैं सिंपली लिख दूंगा एम ए प्लस बी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये जो एल है, एल और ये वाला, इसकी जो ये इन बेस कॉमन है तो एक जैसी बेस है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस थ्री ए माइनस बी आ जाएगा। इन द सेम वे ये आ जाएगा टी की पावर माइनस टू बी, राइट। ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, राइट। इन द सेम वे मैं ना जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन है यहाँ पे एक चीज़ की एडिशन कर रहा हूँ, वो कि एम पावर ज़ीरो, ठीक है ना। और एल, क्योंकि एम हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं है, तो किसी भी चीज़ की जो पावर होती है, मिसाल के तौर पे ये मैं लिख रहा हूँ एक्स की पावर ज़ीरो वन के इक्वल होता है, तो एम की पावर ज़ीरो भी वन के इक्वल होगा। तो इसलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ यहाँ पे इक्वलाइजेशन करने के लिए, मतलब कि कंपेरिजन करने के लिए, हमें ये एम लगा रहा हूँ। ठीक है, वेल ये आ जाएगा एम इक्वल टू ज़ीरो, एम की पावर ज़ीरो, एल की पावर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स दैट पावर वन है, और इस तरह टी की पावर माइनस वन, एक ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कंपेयरिंग अबव, कंपेयरिंग किसे कंपेयर करना है, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये ज़ीरो किसके इक्वल आ जाएगा, अब एम की पावर इस जगह पे ज़ीरो है, इस जगह पर क्या ए प्लस बी, तो ये ज़ीरो इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन वन कह देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एल की पावर क्या वन, और इस साइड पर क्या माइनस थ्री ए माइनस बी, इसको इक्वेशन टू कह देते हैं। ये ऊपर वाली इक्वेशन वन थी, नीचे वाली इक्वेशन टू। और इसी तरह से यहाँ पे टाइम टी की पावर क्या है, माइनस वन, राइट, और इस साइड पे टी की पावर क्या है, माइनस टू बी, ये इक्वेशन थ्री आ गया। अब बेसिकली इन तीन इक्वेशंस को हमने यूज़ करते हुए हमें हमारा जो मकसद है नेक्स्ट, वो हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर हम ए और बी फाइंड आउट कर लें तो ये वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगा। वेल,
अब इक्वेशन वन को मैं यूज़ करता हूँ। इक्वेशन वन के अकॉर्डिंग अगर मैं फर्ज करो ये जो बी है इस साइड पर, बी को इस साइड पर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, ए इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, ठीक है, यानी माइनस बी इज इक्वल टू ए और ए इक्वल टू माइनस बी, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ हमने इस इक्वेशन वन से सब्सटीट्यूट कर ली, मतलब कि सॉरी इवेलुएट कर ली, राइट, इवेलुएट। ओके, इसी तरह से ये इक्वेशन थ्री में माइनस और माइनस कट जाएंगे तो टू बी इज इक्वल टू वन आ जाएगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये उल्ट करके लिख रहा हूँ, सो डोंट बी कन्फ्यूज। तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, वन ओवर टू के। अच्छा, ये बी की वैल्यू तो आ गई। अब ये जो इक्वेशन हमने निकाली हुई थी इससे हमें पता है कि ए इज इक्वल टू माइनस बी है, बी की वैल्यू तो वन ओवर टू है, तो इसका मतलब ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन ओवर टू, ठीक है। वेल, अब ये दो वैल्यूज आ चुके हैं, ए इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू और बी इज इक्वल टू वन ओवर टू, ऐसे ही है ना। ओके, अब मैं वही जो इक्वेशन वन थी, इक्वेशन वन क्या थी, इक्वेशन वन थी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट, और उसके बाद रो पावर ए ई पावर बी, रो पावर ए ई पावर्स बी। अब मैं जस्ट क्या करने लगा हूँ कि ये जो रो की वैल्यू है, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करने लगा हूँ। रो की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, माइनस वन ओवर टू, और ई की पावर बी, बी क्या है हमारे पास, वन ओवर टू, ठीक है। ओके, तो कांस्टेंट आ गया। अब ये माइनस वन ओवर टू ये नीचे आ जाएगा यानी डिनोमिनेटर में, तो यूँ बन जाएगा ई की पावर वन ओवर टू, ठीक है, और ये वन ओवर टू आ गया, ठीक है, कांस्टेंट। अब हम देखते हैं ऊपर और नीचे जो पावर्स हैं वो सेम है, तो ई ओवर रो आ जाएगा, ठीक है, तो वेलोसिटी, राइट, तो हम लोग ये बात जानते हैं ये वैसे ही कि किसी भी चीज़ की जो पावर वन ओवर टू होते हैं वो बेसिकली स्क्वायर रूट के इक्वल होती है। तो ये कांस्टेंट और साथ में क्या आ जाएगा, ई आवर रो, ठीक है। तो यूँ हमने डायमेंशंस को यूज़ करते हुए एक पॉसिबल जो फार्मूला था स्पीड ऑफ साउंड का वो कैलकुलेट कर दिया, डैट इज़ इक्वल टू ई आवर रो, राइट। अच्छा, इसी तरह के जो नेक्स्ट इस क्वेश्चन हैं, तीन चार और एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।